आप चुपचाप देखो उसका, पता नहीं क्यों खुद को नहीं नींद जैसा फील होता है उसको देख के, मतलब शांति से सो रहा है ऐसा वाला। आज स्वीटी दोपहर में गई थी तो अपने बचपन के सारे दोस्तों के साथ एक जगह पे, मतलब मस्ती मजाक, एक मतलब ना एक मीटअप टाइप का बोल सकते हो, जैसा भी हो, बचपन से जो बच्चे पले बड़े एक साथ होते हैं ना, जितना भी सब अपने अपने जगह पे बिछड़ जाता है लेकिन जब मिलते हैं तब बहुत धमाल होता है। तो वो देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई, सारे बच्चे कितना बड़े हो गए, सब छोटे छोटे थे। आफ्टर हैंग आउट फोटो सेशन चल रहा है। हेलो, लेट्स गो, सबको अभी बाय बाय बोल रहे हैं। हेलो, चलो घर चलते अभी। पार्टी वाला पर्सन आ गया। कौन है? कौन है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हुई है पार्टी? कैसा था? मस्त। एंजॉय किया? चांस मिला फाइनली बॉलिंग करने के लिए? मैंने उसको फोल किया था, पसे नहीं, एक घंटा तो जो बोल लीजिए हो जाए। चलो मेरे लिए क्या लाया? खाया मेरे लिए तो कुछ तो लेके आता, खाना तो कुछ तो पार्सल करके लेके आता था मेरे लिए, थोड़ा सा कुछ कुछ खाएगा नहीं, कुछ बनाएगा, पास्ता है खा लेना, एक बार डिनर कर लेना। स्वीटी नहीं जा रही है क्योंकि स्वीटी का कुछ पढ़ाई है, और मैं और अभी शांतनु जा रहे क्योंकि मुझे जाना था। दोपहर में सोई आज, मतलब एक होता ना किसी किसी दिन आपका एग्जॉस्ट जैसा लगता है गर्मी की वजह से। शांतनु जुहू गई थी, कुछ काम था, तो जुहू जाने से पहले मैं सोचा पहले इस्कॉन दर्शन कर लेते हैं क्योंकि साइड से गुजरते हैं और काफ़ी दिन आना भी नहीं हुआ। अच्छा लगता है, लगता है हर हफ्ते में या हर दिन तो आना अगर होगा तो कितना मज़ा आएगा। और यहाँ पे राम मंदिर है, देखो हनुमान जी कितना क्यूट सा है, और ये ब्लैक कलर का जो कृष्णा है मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे प्रसाद दे रहा था, मैं बोला नकुरा को प्रसाद का एक अलग ही खुशबू आता है, दूर से एकदम खींच के चले आते हैं, ऐसा फीलिंग्स आता है। ये प्रसाद मिला है, लाइन देखो प्रसाद का, बाप रे, हम लोग तो वहाँ से यहाँ पे, लेकिन प्रसाद का खुशबू मस्त है। क्या है? दाल चावल सब्जी सब एक साथ में वो मिक्स करके, वो दाल चावल सब्जी टाइप का मिक्स करके, कैबेज की सब्जी मस्त है। चलो एंजॉय। बच्चों का छुट्टी, एग्जाम खत्म हो गया ना, एग्जाम के टाइम तो खाली रहता था रास्ता। अरे और स्वीटी के लिए प्रसाद और रसगुल्ला लाए थे, और उसका मुंह देखो रसगुल्ला से, काफ़ी दिन रसगुल्ला नहीं खाए, अच्छा है ना, यहाँ पे मुंबई पे रसगुल्ला इस तरह से कभी कभार खाना होता।
I've been thinking about you more than ever. I guess I'm lonely. I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was eyes. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be. हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स. नवरात्रि का ढेर सारे शुभकामनाएं. हैप्पी गुड़ी पड़वा. गुड़ी पड़वा का ढेर सारे शुभकामनाएं. आज गुड़ी पड़वा है तो आज महाराष्ट्र न्यू ईयर है. गुड़ी पड़वा सांतनु का छुट्टी है और अभी बाकी सब भी एक लाइन से आने वाला है ना. बैसाखी वैसाखी सब. गुड़ी पड़वा बैसाखी मतलब और किसका किसका न्यू ईयर है बताना जरूर. जिनका जिनका आज न्यू ईयर है या आज और कल के अंदर है तो हैप्पी न्यू ईयर सबको. अभी भगवान के लिए प्रसाद बनाया है. आज नवरात्रि का भी शुरुआत है ना. तो मेरा इष्ट देवता देवी दुर्गा है. तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जितना हो सके बंगाली में नवरात्रि ये जो चैत्र नवरात्रि होता है ना यहाँ पे इस टाइम पे बासंती पूजा होता है. मतलब शायद मुझे जितना पता है जितना मुझे याद आ रहा है अगर रॉन्ग हो तो करेक्ट कर देना. बासंती पूजा लेकिन हर घर पे नहीं होता. कुछ ही बंगाली जगह पे होता है. कुछ बंगाली घरों पे होता है. तो नवरात्रि का लेकिन हमारे में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई जो रिचुअल होता है ना फास्ट रखने का वो बंगाली में नहीं है. तो लेकिन मेरा इष्ट देव जो देवी है वो देवी दुर्गा है. तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ भगवान के लिए कुछ मीठा बना. हैप्पी बर्थडे टू यू. अनदर हैप्पी बर्थडे. ऐसे कर लेते हैं. हैप्पी बर्थडे. कटो कटो. बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे. कितना सारा बर्थडे हो रहा है. हैप्पी बर्थडे डियर शांतनु. हैप्पी बर्थडे टू मी. आप लोग आ फिर से हैप्पी बर्थडे का केक खाओ. ये एक्चुअली मेरा जो हाउस हेल्पर है उनकी पूरी फैमिली के लिए छोटे छोटे उनका भाई बहन है ना. तो मैंने बोला थोड़ा सा काट लो क्योंकि हैप्पी बर्थडे मतलब सेलिब्रेशन हो जाएगा हाँ बर्थडे वाला. तो उसको केक उस दिन बर्थडे के दिन हुआ नहीं था. रात को लौटी थी ना. तो मैं बोला एक दिन मंगवाऊंगी और कुछ सामान मंगवाऊंगी तो वो दे दूंगी. सनी आएगी फिर से तब मैं दे दूंगी. स्वीटी तूने बोला नैप लूंगी. देखो यहाँ पे सो गई स्वीटी. वहाँ पे सोई हुई है पता नहीं. वो बोलते नीचे सोने से अच्छा नींद आता है. मैं बोला अच्छा सो जा. सारे सब साफ सफाई के टाइम. अब लग रहा है ना प्रॉपर. हाँ ये तीनों देखो. ये वाला छोटा वाला बेबी लगाया था कितना बड़ा हो गया. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट को जस्ट फ्राई कर लिया है. हल्का सा जस्ट रोस्टेड खुशबू है. इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी. इसमें अदरक काजू चार मगज मेलन सीड पॉपी सीड मतलब पोस्तो जिसको बोलते हैं खसखस लौंग इलायची दालचीनी थोड़ा थोड़ा करके स्टार एनिस फुल चक्री धनिया सौंफ जीरा क्वांटिटी इस तरह से हरी मिर्च ये भी इसके साथ दे दूंगी. गिरना मत से नहीं दोनों हाथ लगाना पड़ेगा. और इसको अभी ग्राइंड करना है. पैन पे मैंने तेल दिया है. उसमें तेज पत्ता
कश्मीरी मिर्ची, चॉप टोमेटो, अंदाजा से सॉल्ट, और इसको ढक के सॉफ्ट कर दियो। और इस टाइम पे थोड़ा सा कच्चा करी पत्ता, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और टोमेटो जब सॉफ्ट हो जाएगा तेल निकल जाएगा, बहुत अच्छा खुशबू आता है। इस टाइम पे हल्दी और कश्मीरी मिर्ची, कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जो मसाला पेस्ट किया था वो, और इसको अच्छी तरह से अभी भूनना है। और ये जब इस तरह से भूनना भूनना हो जाएगा, मस्त खुशबू आ रहा है। थोड़ा सा सॉल्ट और दिया था मसाले के हिसाब से। और इस टाइम पे धनिया, पुदीना और थोड़ा सा आमचूर पेस्ट, ये देख के और थोड़ा सा भूनना है। और यहाँ पे मैंने चना को बॉईल कर लिया था, जस्ट इस तरह से हुआ है। धीमी आंच पे 30 मिनट्स मैंने बॉईल किया था एक सीटी के बाद। और इसको अभी देख के 10 मिनट कुक करना है। ये एक टाइप का दाल वड़ा बनाया, किसी दिन शेयर करूँगी, कुछ अलग टाइप का है। सिर्फ दाल नहीं है उसके साथ, अब आज फटाफट बना लिया, उसके बाद याद आ रही ये तो शेयर नहीं किया। एक दो दिन में बनाऊँगी, बहुत सिंपल फटाफट बन जाता है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, चलो कोई नहीं, गर्म है। और इसको जस्ट 10 से 12 मिनट मैंने धीमी आंच पे बॉईल किया था। इसका जो खुशबू आता है ना, थोड़ा मैंने पतला बनाया, अब थोड़ा गाढ़ा भी बना सकते हो, क्योंकि धीरे थोड़ा ठंडा होने से ना गाढ़ा हो जाता है। और कुछ चना को मैंने इस तरह से तोड़ दिया तो ग्रेवी भी अच्छा बनता है। थोड़ा पतला शांतनु ने बोला, शाम को भी हो जाएगा। और नवरात्रि में हमारे में ज्यादा कुछ फास्ट या ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं नवरात्रि में भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया था, थोड़ा छोले भिगो के रखा था, छोले पूरी ये सब स्वीटी को बहुत पसंद है, इसीलिए बनाया है। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे नवरात्रि का सिंपल सा लंच। जो छोले बना है ना, ये छोले ट्राई करना। मैं पंजाबी छोले ज्यादातर बनाती हूँ, लेकिन ये कभी कभार बनाती हूँ, खुशबू आता है। थोड़ा सा तीखा भी होना चाहिए, थोड़ा सा खट्टा, मतलब बनाओगे तो भी पता चलेगा। इसको देख के नींद नहीं आएगा, वो घर पे भी सोता रहता था, यहाँ पे आके भी सो रहा है। कितने सारे पंछी उड़ रहा है, तुम भी उड़ो ना। ये ऐसे देखो, इसको देख के आप चुपचाप देखो उसका, पता नहीं क्यों खुद को नहीं नींद जैसा फील होता है उसको देख के, मतलब शांति से सो रहा है ऐसा वाला। और यहाँ पे पौधे वगैरह है, लेकिन आज का वेदर मस्त है। आज का सुबह में गर्मी था, लेकिन अभी दोपहर में अभी 3 बज रहा होगा, स्काई जब क्लियर हो जाता है ना, मतलब गर्मी थोड़ा कम हो जाता है, हवा आता है ना। और नीचे वहाँ पे 3 बच्चे मस्त खेल रहे हैं। स्वीटी बोले छोटे अभी उनका वेकेशन चल रहा है, स्वीटी का तो बड़ा हो गया, वेकेशन थोड़ी है, लेकिन मजा। शांतनु का छुट्टी है ना, आज शॉर्ट वेकेशन, ये शॉर्ट वेकेशन पड़ता है। समर वेकेशन मई में पड़ेगा, ये वो एग्जाम खत्म होने के बाद थोड़ा सा छुट्टी रहता है ना, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, नया क्लास स्टार्ट होगा। सर नया क्लास तो स्टार्ट हो चुका होगा, हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ। अब आज छुट्टी, आज गुड़ी पड़वा है ना, गुड़ी पड़वा का छुट्टी है, हाँ गुड़ी पड़वा का तो छुट्टी है। अप्रैल मई में छुट्टी पड़ेगा एकदम, एक महीना का, एक महीना से भी ज्यादा रहता है थोड़े छोटे बच्चों का। तो मैं यहाँ पे सारे ब्लाउज लेके बैठी हूँ, कुछ ब्लाउज पे कुछ करना है, इस वजह से देखो लटकन, देखो ये वाला लटकन मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से, मतलब एक गुच्छा इसका, ये एक वाला लटकन, ये और एक गुच्छा, और वो दूसरा वाला गुच्छा, और एक लटकन ये वाला, इसका नक्शा टाइप का है। ये बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर लगता है, मतलब सिंपल लेकिन एलिगेंट, जिसको बोलते हैं ना लुकिंग लाइक ए वाव। ये वाला एक कोड़ी रहता है, बहुत सारा देखा है आपने बहुत बार पहनने के लिए, तो वही मैं निकाल रही थी, कुछ काम मतलब एक दो का ठीक करना था। और एक लटकन ये वाला, एकदम सिंपल क्लासिक टाइप का। देखो ये सारे, देखो लेस है, लेस को काट काट के इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से, तो ये निकाल के रखा। और ये देखो लुढ़कते लुढ़कते वहाँ पे सोया हुआ था, भगवान को प्रणाम कर रही थी, उसके बाद प्रणाम करके खुश होता है। मैं सच में प्रणाम करके लंबा सोई, उसके बाद कुछ देर धकेल धकेल के
ये क्या हो रहा है? उठ जा, सोया तो है नहीं, उठा भी नहीं है ये, मतलब ये लेजी वाला पड़े रहना ना बेकार, कुछ काम का नहीं आता है। और अभी शाम हो चुकी है, मैं क्या कर रही थी पता है, ये जो साड़ी जो लास्ट पूर्णिमा में शायद पहनी थी, ये वाला साड़ी का जो फॉल्स पार्ट नहीं था तो आधा लगाया फॉल्स पार्ट, मैं खुद लगाती हूँ, मुझे फॉल्स पार्ट लगाना बहुत एक मेडिटेशन के जैसा, जो जिनको फीलिंग्स आता है ना वैसा वाला, मुझे बहुत एक अंदर से सुकून होता है, इसलिए मैं कभी फॉल्स पार्ट लगाना बाहर में देती नहीं हूँ। बाकी सब कुछ पिको वगैरह जो करना वो बाहर में देती हूँ, लेकिन फॉल्स पार्ट आधा लगाया बस मस्त, पता नहीं क्यों। स्वीटी बोलती है ना, तुमको ये काम करके क्या मजा आता है, मैं बोलता पता नहीं, मुझे ये वाला फॉल्स पर लगा के मुझे मजा आता है। अभी इसको समझाना बहुत मुश्किल है, शाम हो चुके हैं, स्वीटी भी पढ़ाई कर रही थी, लुढ़कते लुढ़कते उधर गई पढ़ाई करने के लिए, सांतनु अपना कुछ काम कर रहा है, मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, आज दो वीडियो जाने वाला था, लेकिन देखती हूँ अगर शाम तक होता है तो, नहीं तो कल मोहिती सोना ब्लॉग में एक स्पेशल वीडियो आएगा, मोहिती सोना ब्लॉग का स्पेशल वीडियो एडिट कर रही थी आज, नहीं तो कल आ जाएगा, तो प्लीज़ चेक करना मोहिती सोना ब्लॉग में स्पेशल वीडियो के साथ, स्पेशल एक चीज के साथ। आज का वीडियो भी यही पेंट कहते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, भी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।